लद्दाख की हालत पूछें तो नॉट वेल। लद्दाख के सोनम वांगचुक और उनके साथ हजारों लद्दाखी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट के दौरान सोनम का ये तक कहना था कि आर्टिकल 370 को हटाकर लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाना और JNK से अलग करना वाज प्रॉब्ली अ मिस्टेक। बट क्या आपको मालूम है कि ये सारा माजरा क्या है? लद्दाख में अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट, टूरिज्म और माइनिंग हो रही है, जिसके प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक डिसाइडेड टू डू अ 5-डे क्लाइमेट फास्ट। ये फास्ट 26 जनवरी से 30 जनवरी के बीच खारदुंगला पास में किया जाना था। खारदुंगला विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स इन द वर्ल्ड और जहां इस समय पारा -40 डिग्री सेल्सियस तक हिट करता है। द आइडिया ऑफ दिस फास्ट वॉज टू ग्रैब अटेंशन ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड। इस फास्ट का अनाउंसमेंट वांगचुक ने अपने यूट्यूब चैनल पर किया, वेर ही डायरेक्टली अर्ज पीएम मोदी टू टेक एक्शन, लेकिन जस्ट बिफोर द डी डे ही वॉज पुट अंडर हाउस अरेस्ट। अभी हाउस अरेस्ट में हूं। I am under house arrest. Authorities said that they couldn't let Wangchuk fast at Khardungla as it could have been life-threatening to him. As per Wangchuk, Leh administration asked him to sign a bond for his release. इस बॉन्ड के टर्म्स थे कि वांगचुक अगले एक महीने तक ले डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड किसी भी चीज पर ना कमेंट करेंगे, ना पब्लिक स्टेटमेंट्स देंगे, ना कोई स्पीच देंगे और ना ही किसी एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज या उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। वांगचुक ने ऑफ कोर्स ये बॉन्ड साइन नहीं किया और जहां थे वहीं खुले में 5 दिन पास किया एट टेम्परेचर बिटवीन -13 to -20 डिग्री सेल्सियस। नाउ लेट्स सी कि ये प्रोटेस्ट एक्चुअल में हो क्यों रहे हैं। नॉर्थ और साउथ पोल के बाद लद्दाख एंड द हिमालयाज आर कॉल्ड द थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के नियरली 200 करोड़ लोग पानी के लिए इस रीजन के ग्लेशियर्स पर डिपेंड करते हैं। But due to climate change, the glaciers here are depleting faster than anywhere else on the planet. Ladakh's topography is very different from anything we know. Here, survival is really tough. इसी की वजह से लद्दाख is one of the least developed and sparsely populated areas of India. पानी की कमी यहाँ हमेशा से बड़ी problem रही है. Indigenous tribal people of this area have adapted their ways as per it. बट अब ग्लेशियर्स खत्म होने से ये प्रॉब्लम और बड़ी होती जा रही है। यहाँ के लोग हर साल आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स आइस तूफान जमाते हैं सो दैट दे कैन बी यूज फॉर वाटर ड्यूरिंग समर्स। नाउ पिछले काफी डेकेड से लद्दाख के लोग हैव बीन कैंपेनिंग कि लद्दाख को स्पेशल स्टेटस दिया जाए, कि उसे JNK से अलग किया जाए एंड इट शुड बी इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जरा देखते हैं कि 6th शेड्यूल क्या है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि अगर किसी जगह की 50% या उससे ज्यादा पॉपुलेशन ट्राइबल है तो उसको 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जा सकता है। Which grants autonomy to that region to make laws, rules and regulations with regard to land, forest, water, agriculture, health, policing, वगैरह वगैरह। इसके लिए autonomous district councils बनती हैं, जिसके up to 30 members 5 साल के term के लिए locally elect किए जाते हैं। This basically helps in safeguarding the environment of the region and the rights of indigenous people. फिलहाल northeastern states Assam, Meghalaya, Mizoram और Tripura they come under the 6th schedule. जब सेंटर ने 2019 में आर्टिकल 370 को अबॉलिश किया और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया तो सबको लगा कि सालों की मेहनत रंग लाई है एंड नाउ द रीजन विल बी एम्पावर्ड। बट ऐसा नहीं हुआ, उल्टा इलीगल एंड एनवायरमेंटली हार्मफुल एक्टिविटीज स्टार्टेड टेकिंग प्लेस इन लेह एंड लद्दाख इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, समथिंग दैट वांगचुक इज ऑल्सो प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट। टूरिस्ट की भीड़ ने लद्दाख के सेंसिटिव एनवायरमेंट की वैसे ही ले रखी है, स्पेशली आफ्टर 3 इडियट्स। इफ यू बीन टू पैंगोंग सो लेक, आई एम श्योर यू हैव सीन दोज येलो स्कूटर्स लाइंड अप, प्रॉब्ली यू हैव इवन क्लिक पिक्चर्स ऑन दोज। प्लास्टिक पॉल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स देयर। लद्दाख की लोकल पॉपुलेशन करीब 2,75,000 लोगों की है। ड्यूरिंग टूरिस्ट सीजन दिस ऑलमोस्ट डबल्स। अब जहां लोकल्स के लिए पानी की कमी है वहां इमेजिन अर्बन जनता पहुंच रही है एक्सप्लॉइटिंग द डिप्लीटिंग रिसोर्स। वी आर टॉकिंग अबाउट सर्वाइवल हियर। इन सो मेनी विलेजेस पीपल हैव डेजर्टेड देयर होम्स एंड माइग्रेटेड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। और इसके ऊपर से विद इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन द ग्लेशियर्स विल मेल्ट इवन फास्टर। एज पर वांगचुक, बिग इंडस्ट्रियल पावर्स एंड बिजनेस हाउसेस वांट माइनिंग टू टेक प्लेस इन एवरी वैली देयर, एक्सप्लॉइटिंग द इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, थ्रेटनिंग द लाइवलीहुड्स एंड सर्वाइवल ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन। बेसिकली जिन लोगों का कार्बन फुटप्रिंट नेक्स्ट टू नथिंग है, दे आर गोइंग टू फेस द ब्रंट ऑफ climate change caused by the greed of corporations the most. BJP, which is in power, has been promising the 6th schedule to Ladakh even in its manifesto during the state polls as well as the 2019 Lok Sabha elections, but is not doing anything about it. So, pichle 2 saal se people have been protesting and campaigning for it. For the first time, all political, social and religious organizations of Ladakh, apart from BJP of course, have come together in protest. If there is no response from the government, they plan to protest at Jantar Mantar in the 3rd week of February. Wangchuk has also threatened to go on a longer hunger strike. Safeguarding the Himalayas, its glacier should be more important than any development really. It will not just affect Ladakhis, it will have a direct impact on the entire subcontinent. What do you think the government should do? Tell me in the comments below and share this video with as many people as possible.